दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस न्यूज के इस एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली डिफेंस से जुड़ी हुई अपडेट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, अमेरिका ने रशियन सुखोई 57 का मजाक तो उड़ाया ही और इसे फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट तक मानने से इनकार कर दिया। सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सुखोई 57 रशिया का जवाब माना जाता है अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-22 और F-35 के खिलाफ। एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की खास बात होती है इसकी एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इसका रडार। सुखोई 57 को बने हुए तो 10 साल हो गए, लेकिन इसे रशियन एयरफोर्स में शामिल किया गया 2020 में। हालांकि सुखोई 57 में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन 2019 में जो पहले इसका प्रोडक्शन हुआ था सुखोई 57 का, वो क्रैश हो गया था जब इसकी टेस्टिंग की जा रही थी रशिया में। एक यूएस थिंक टैंक है जिसका नाम है R&D कॉरपोरेशन, जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें यह बताया गया कि सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है और इस कैटेगरी में यह फिट बिल्कुल नहीं बैठता, और इसमें नया इंजन नहीं है और पुराने इंजन को ही का ही इसमें इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सर्जी चेमोजोव, जो मैनेजिंग डायरेक्टर रशियन स्टेट ओन्ड रोस्टेक के, उन्होंने कंफर्म किया कि इसमें नया इंजन फिट किया जाएगा 2022 में। भारत ने पहले सुखोई 57 खरीदने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और इसकी वजह थी इंजन, जिसे अब रिप्लेस कर दिया जाएगा। रशियन मीडिया में छपे रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया अब सुखोई 57E, जो इसका एक नया वेरियंट है, इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। सुखोई 57E मॉडल का डिस्प्ले किया गया था बेंगलुरु के एयरो इंडिया एग्जीबिशन में भी। रशिया का एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है TASS, उसने ही बताया कि इंडिया के अलावा तुर्की और अल्जीरिया भी इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सुखोई 57E वेरिएंट में कंट्रीज का इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर है यूनिक कॉम्बैटिबिलिटी और फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि विक्टर क्लेडोव ने बोला जो कि रॉकटेक के डायरेक्टर हैं। इसके एक्सपोर्ट के रिक्वेस्ट के बावजूद रशिया ने पहले अपने एयरफोर्स को प्रेफरेंस दिया है और बोला है कि 2028 तक 76 सुखोई 57E शामिल हो जाएंगे रशियन एयरफोर्स में और 2022-24 तक 22 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस एयरक्राफ्ट को लेकर? क्या भारत को इस एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहिए? कमेंट में जरूर मेंशन करें। जय हिंद।